श्रीराम वृंदावन की, राधा कुंड श्याम कुंड की। एक बार वृंदावन में अरिष्टासुर नामक एक राक्षस आया, जो कि है ना बुल, है ना क्या बोलते हैं धर्म वाला में बुल को, बैल, बैल के रूप में था वो आया। बहुत ही खतरनाक था वो, है ना, बहुत बड़ा, और जब एक एक पैर रखता था तो धरती हिलती थी, इतना खतरनाक बुल बैल, है ना, देखा था वो, बोल रहे मैंने देखा है कार्टून में, अरे वाह, है ना। तो वैसे भी मैंने आज प्रभु जी से ही सुना है, उसको ही रिपीट कर रहा हूँ, है ना। तो वो अरिष्टासुर जब आया तो इतना खतरनाक कि सारे ब्रजवासी डर गए, है ना, ये क्या है इतना खतरनाक बैल, और इतना हुंकार से ही लोग डर रहे थे उसके। ऐसा वर्णन आ रहा है कि उसकी गर्जन से और उसके पैर की आवाज़ रखने से गर्भवती स्त्रियों का मिसकैरेज भी हो रहा, इतना खतरनाक। तो सबने कहा ये कौन है, तो भगवान ने जब उसको देखा तो भगवान ने कहा इसको मैं कंट्रोल करूँगा। भगवान ने क्या किया, उसको पकड़ा, और पहले तो उसको वो आया जब भगवान को मारने के लिए, तो भगवान ने उसके सींग को पकड़ के पूरा पीछे की तरफ धकेला, उसके दोनों सींग को पकड़ा और एक सींग को ऐसे तोड़ के और ये घुमाया ये घुमाया ये घुमाया दे था। और जैसे धोबी को देखा आपने हैं, ऐसे फिर घुमाया दे घुमाया दे था, ऐसे 6-7 बार किया ना, तो कौन सी बार में उसका प्राण गया किसी को नहीं पता, है ना। तो जब अरिष्टासुर को भगवान ने मार दिया तो उसके बाद भगवान ने जब राधा रानी के पास गए, सखियों के पास गए, तो उन्होंने कहा भाई हम तो आपसे बात करेंगे नहीं, क्यों भाई, आपने तो बैल को मारा है, गाय और बैल बराबर ही है, है ना, आप बैल को मारा है, आप तो पाप पर चढ़ गया आपके ऊपर इतना, तो अब तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, तो क्या करना चाहिए। तो आपको पूरे ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थों में जाके आपको वहाँ स्नान करना है और तब जाके हम आपके साथ बात करेंगे। किसने कहा, राधा रानी ने, किससे, कृष्ण से, तब तक हमारी क्या है। तो भगवान ने कहा ये तो ठीक नहीं लग रहा है, है ना, अब मैं जाऊं ब्रह्मांड में सारे तीर्थों में जाऊं यहाँ वहाँ जाऊं, इतनी क्या ज़रूरत है, जोमेटो से ऑर्डर करा लेता हूँ ऑनलाइन है। तो भगवान ने ना ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, क्या ऑर्डर किया, सारे तीर्थों को ही बुला लिया, डिलीवरी बॉय नहीं रेस्टोरेंट खुद आएगा करके, है ना। तो भगवान ने कहा भाई तो जितने तीर्थ थे सारे उस जगह पे आ गए, और वो आके बोले मैं गंगा देवी, मैं यमुना, मैं सरस्वती, मैं पुष्कर तीर्थ, मैं प्रयाग तीर्थ, सब आके वहाँ पे आए और भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया, भगवान की ग्लोरिफिकेशन किया और भगवान से पूछा हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं। तो भगवान ने बताया तो कि आप अपना जो जल है इस, और भगवान ने क्या किया, एक अपना पैर मारा और वहाँ पे गड्ढा हुआ, एक कुंड बना और उसमें कहा भर दीजिए। तो भगवान ने वहाँ पे उस कुंड में स्नान किया और भगवान कहते अब मैं प्योर हो गया, और उस कुंड का नाम पड़ा श्याम कुंड, श्याम कुंड की। तो जब श्याम कुंड में स्नान करके भगवान बाहर आए तो भगवान ने, तो राधा रानी कहती हाँ भाई अब सब ठीक है, भगवान ने कहा अभी ठीक नहीं है, क्यों, अब हम आपसे बात नहीं करेंगे, क्यों भाई, क्योंकि अरिष्टासुर था तो बैल, तो हमने मान लिया, हमने उसका जो पाप जो भी होगा, हमने सभी तीर्थों के जल तुम्हारे सामने बुला के उनमें स्नान कर लिया, अभी मेरा तो हो गया। अब चूंकि वो अरिष्टासुर बैल तो था पर था तो असुर, और आपने असुर का साइड लिया, तो ऐसे लोगों से हम बात, अब राधा ने ये तो टेंशन हो गया, तो अब हम क्या करें। तो उनका एज इट इज़, है ना,
तो फिर उन्होंने कहा हम उन भगवान बोले अगर आप चाहो तो हमारा जो श्याम कुंड अभी अभी है इसमें हम, तो बोले नहीं तुम्हारा उसमें अभी तुमने अपना पाप धुलाया उसमें हम क्यों ना आए, हम अपना कुंड स्वयं बनाएंगे। तो राधा रानी ने अपना कंगन निकाला और थोड़ा स्क्रैच किया ज़मीन में और वहाँ पे गड्ढा हुआ और फिर सभी सखियों ने उसको बनाया। अब उसमें पानी कहाँ से आए, तो फिर उन्होंने कहा हम मानसी गंगा से लेके आएंगे। तो सारी सखियों ने एक एक करके लाइन लगाया और हैंड ओवर करते जा रहे थे और राधा कुंड में डाल रहे थे। तो बहुत टाइम लग रहा था, तो फाइनली भगवान ने कहा ऐसा है कि इन्हीं तीर्थों को बुलवा के और आपके में, तो भगवान ने एक्चुअली में इन तीर्थों से कहा कि जाके आप रिक्वेस्ट करो। तो सारे तीर्थ आके राधा रानी से बोले कि आप तो भगवान की शक्ति हैं और भगवान आपसे इतना प्रेम करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम आपकी सेवा करें और ये जो आपका काम है इसमें हम आपकी सहायता करें। तो राधा रानी का ठीक है आप हमारे कुंड को भर दीजिए। तो क्या हुआ, ये राधा कुंड था श्याम कुंड था, तो जैसे उन्होंने कहा तो श्याम कुंड का वो जो बॉर्डर था दीवार वो टूट गया, तो सारा श्याम कुंड का पानी राधा कुंड में आ गया। तो इस तरीके से वो राधा कुंड बन गया और फिर उसमें राधा रानी ने स्नान किया राधा कुंड की। तो राधा कुंड श्याम कुंड वृंदावन में गोवर्धन में आप जाएंगे तो बिल्कुल लास्ट में वहाँ पे राधा कुंड है और उसके जस्ट बगल में श्याम कुंड, बीच में उनका संगम भी है। कुछ ब्रजवासी कहते हैं हमारी राधा रानी तो सीधी सादी हैं तो उनका कुंड भी सीधा सादा है और श्याम सुंदर तो टेढ़े हैं, है ना, हर जगह से टेढ़े, उनकी बात टेढ़ी, उनकी नज़र टेढ़ी, उनकी पैर टेढ़े, इसलिए उनका कुंड भी, देखा आपने श्याम कुंड भी टेढ़ा है ना। तो बहुत समय होने के बाद श्याम कुंड राधा कुंड को कोई जानता नहीं था, है ना। तो जब महाप्रभु वहाँ आए तो महाप्रभु नृत्य करते वहाँ जा रहे थे तो उनका पैर उस जल में पड़ गया, तो उनको वो जो भाव है वो उस लक्षण बहुत ज़्यादा बढ़ गए, है ना। तो महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण हैं उन्हें तो पता ही है, पर ये एक लीला थी राधा कुंड को प्रकट करने की हमारे सामने, क्योंकि लोग जानते नहीं थे। तो महाप्रभु ने बताया कि ये राधा कुंड है और फिर श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने ये सेवा दिया कि आप राधा कुंड का जीर्णोद्धार करें और प्रॉपर बनाएं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी तो बिल्कुल ही मतलब बाबा जी वाला जीवन जीते थे, राधा कुंड के पास रह के उनके पास कुछ नहीं था, 7 दिन में एक बार जाके इतना छाछ मांग के पीते थे बस, है ना, और पूरा टाइम महाप्रभु का गुणगान और कृष्ण कथा यही उनका और हरि नाम का जप यही उनका जीवन था। तो उनके पास कहाँ से धन आएगा कि वो राधा कुंड का जीर्णोद्धार करा पाएं। लेकिन अब महाप्रभु ने सेवा दी थी तो उनको करना था, तो वो इस तरह से प्रार्थना कर रहे थे। तो एक बार एक गुजरात का कोई एक बहुत बड़ा व्यापारी सेठ जो कि बद्रीनाथ का भक्त था, तो बद्रीनाथ गया था, तो भगवान बद्रीनाथ की सेवा में बहुत सारा धन लेके गया था। तो जब वो बद्रीनाथ पहुंचा तो बद्रीनाथ ने उसको सपने में बोला कि भाई ये चीज़ तो हमें चाहिए नहीं जो आप लाए हैं, क्यों। तो उन्होंने कहा कि ये हमें ज़रूरत नहीं है, आप जो है वृंदावन जाइए, गोवर्धन जाइए, वहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी, है ना, रघुनाथ दास गोस्वामी जो नहीं जानते हैं हमारे यहाँ पे 6 जो एक फ़ोटो में 6 व्यक्ति हैं उनमें से एक रघुनाथ दास गोस्वामी है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी को आप दे दीजिए, उनको राधा कुंड का जीर्णोद्धार कराना है तो उसमें वो यूज़ करेंगे। तो वो ढूंढते ढूंढते आए और उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उस पैसे को राधा कुंड और श्याम कुंड को बनाने में लगाया। तो वैसे तो पूरा टाइम ये सेवा भजन ही करते थे, तो शायद 24 घंटे में 1.5-2 घंटे ही सोते होंगे, है ना। तो जब भी वो आराम कर रहे थे एक दिन, तो आराम करते समय उनको एक दिन क्या हुआ, एक्चुअली जब ये जीर्णोद्धार चल रहा था
तो उसी समय इन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है राधा कुंड के बारे में, है ना, और अभी भी नहीं है बहुत सारे लोगों को, तो अभी भी नहीं जानकारी कि राधा कुंड का महत्व क्या है, उनको किसने लाया हमारे सामने, कौन बताया। राधा कुंड तो बहुत लोग जानते होंगे पर ये नहीं जानते होंगे कि महाप्रभु ने इसको हमारे सामने प्रकट किया है और रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसको बनाया है जिनकी समाधि वहीं साइड में है। बहुत सारे लोग गए भी होंगे राधा कुंड, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने स्नान भी किया हो, है ना, लेकिन हो सकता है रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि में ना गए हों जो कि बस वहीं है, है ना। तो उन्होंने जीर्णोद्धार कराया तो उन्होंने देखा कि लोगों को पता नहीं है इसकी महिमा, तो लोग आते हैं उसमें कपड़े धुलते हैं, उसमें पैर धुलते हैं, नहाते हैं, उसको ना ऐसे ही समझ रखा है, क्यों आसपास और कोई पानी का साधन भी नहीं है तो उनको यही है राधा कुंड श्याम कुंड में अपना कपड़े धुल रहे हैं, तो उनको लगा ये तो सही नहीं है। तो जनरली अगर हम किसी को नियम नहीं बताना चाहिए पहले कि ये मत करो वो मत करो, आप ये गलत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आप किसी को नियम ना बताएं, आप नियम दो केस में बताना चाहिए, मतलब करेक्ट करना किसी की गलती को, करेक्ट करना दो केस में अच्छा होता है। ये एक अलग सेमिनार है, शॉर्ट में बता देता हूँ। या तो आप अगर आपने उसके आध्यात्मिक विकास में, आध्यात्मिक उन्नति में कुछ योगदान दिया है किसी भी तरीके से, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं कि प्रभु जी माता जी आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं, आप इसको ना करें, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं तब जब आपने उसके आध्यात्मिक उन्नति में कुछ योगदान दिया है तो आपका अधिकार बनता है। या आप अथॉरिटी हैं, है ना, जैसे जैसे बहुत सारे लोग आए हैं अभी, कोई कुछ गलत कर रहा होगा तो मेरा कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं उसको बोलूं कि ये गलत है ये सही है आप ऐसा मत करो, है ना। लेकिन जैसे ये जो सेंटर है तो इसकी जो अथॉरिटी है प्रभु जी हैं, तो चूंकि वो यहाँ के अथॉरिटी हैं तो वो बोल सकते हैं कि आप ऐसा ना करें आप ऐसा ना करें, क्योंकि अथॉरिटी है, उनको सेंटर चलाना है, उनको पता है क्या सही है क्या गलत है, है ना। तो आप ऐसे ही जाके किसी को नहीं बोल सकते, है ना, नहीं तो हो सकता है कभी अपराध भी हो जाए, है ना। तो हमें देखना चाहिए कि क्या मैं अथॉरिटी हूँ, नहीं हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं तो हमने क्या उसके आध्यात्मिक विकास में कुछ योगदान दिया है, है ना, तो बोल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर जैसे हमें लगता है कि ये नहीं होना चाहिए तो हम एक ऑप्शन भी प्रोवाइड कराएं, ये मत करो पर ये कल से आपने प्याज लहसुन नॉनवेज कुछ नहीं खाना है, प्रभुपाद ने बोला ना, लेकिन प्रभुपाद ने ऑप्शन भी दिया, क्या वो नहीं खाना है तो क्या खाना है, महाप्रसाद जो कि इतना स्वादिष्ट है कि आदमी अपने आप बुरी चीज़ें खाना बंद कर देगा। मूवी के सॉन्ग नहीं सुनने हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड मॉलीवुड कुछ नहीं सुनना है फिर कैसे चलेगा, कीर्तन सुनिए, है ना। तो वो नहीं करना है तो ये करना है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखा कि अगर इनको सीधे मना कर देंगे कि भाई राधा कुंड में आप, तो कहाँ से लाएंगे, ये पानी का तो कोई साधन है नहीं यहाँ, है ना। तो पहले रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या किया, वहाँ पे कुआं बनाया, कुआं बनेगा, एक कुआं बनने से उसका पानी लोग यूज़ कर सकते हैं अपने जीवन के लिए, तो फिर हम बता सकते हैं कि भाई राधा कुंड का ये महत्व है, है ना। तो एक कुआं बनाया, कुआं की खुदाई चल रही थी, तो जब खुदाई हो रही थी तो एक दिन तो खोदने वाले ने जब हिट किया तो वहाँ से ब्लड आ गया, तो सबने रघुनाथ दास गोस्वामी बताया ये बात, तो रघुनाथ दास गोस्वामी को समझ में तो नहीं आया, लेकिन उनका जो भी है आगे नहीं चलना है, आगे खुदाई नहीं करनी है। तो फिर एक दिन जब वो आराम कर रहे थे तो उस दिन उनको सपना आया गिरिराज जी का। अब गिरिराज कौन, भगवान स्वयं, है ना, तो गिरिराज भगवान स्वयं है, उनका जो अंग गिरिराज का भगवान ही है। तो गिरिराज ने कहा कि ये जो ब्लड आया है ये इसलिए आया है क्योंकि आपने मेरी जीवा मेरी टंग को हिट किया है,
है ना, तो इसलिए ये ब्लड आया है। तो फिर रघुनाथ दास सोचा, अरे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्या करना चाहिए, मतलब कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, वो जो पत्थर है वो मेरी टंग है, और वो आप वहाँ पे एक मंदिर सा बनाइए और दर्शन के लिए रखिए, सही भक्त आके दर्शन करेंगे, और जो भी भक्त सात परिक्रमा करेगा उसकी गोवर्धन परिक्रमा होगी। तो भक्त तो दोनों ही करते हैं, तो जो आप राधा कुंड के बिल्कुल बगल में जाएंगे तो वहाँ पे वो शिला आज भी है जिसे गोवर्धन की जिह्वा बोलते हैं, उनके सात उपमाँ भी है वहाँ, उन सात परिक्रमा करने से गोवर्धन की परिक्रमा पूरी हो जाती है। जाए तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने वो किया, और उसके बाद वो जीर्णोद्धार के समय उन्हें और भी ऐसा हुआ कि पांडवों ने भी सपना दिया कि हम यहाँ पे पांच पेड़ के रूप में हमेशा रहते हैं, है ना, भगवान का भजन ध्यान करते हैं, तो आप हमें ना हटाएं, है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उन पांच पेड़ों को भी नहीं हटाया जो कि पांच पांडव के रूप में वहाँ हैं। उस घाट को कहते हैं पांच पांडव घाट, जो कि श्याम कुंड वही टेढ़ा जो है ना, तो वो इसीलिए क्योंकि वो पांच पेड़ वहाँ हैं तो उनको हटाया नहीं गया, तो यूँ यूँ है। तो जो ये जगह है वहाँ पर पाँच पेड़ हैं, है ना, तो उसे कहते हैं पाँच पांडव घाट, है ना। ज़्यादातर हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं, गोस्वामीज हैं, और राधा कुंड के आसपास उनकी समाधियाँ हैं, भजन कुटीर वहीं हैं, वहीं पे वो ज़्यादातर भजन करते थे। तो इस तरीके से राधा कुंड का आविर्भाव हुआ, और बाद में महाप्रभु की लीला में दोबारा से हम लोगों के सामने राधा कुंड प्रकट हुए, राधा कुंड श्याम कुंड। तो पिछली बार तो तीन दिन इस पर बहुत बड़ा चर्चा हुआ था उपदेशामृत के हिसाब से, तो उपदेशामृत में लास्ट के तीन श्लोकों में राधा कुंड की ही महिमा है, है ना। तो शॉर्ट में बता देता हूँ कि राधा कुंड जगह क्या जगह है वो, तो समस्त माने जो मथुरा नगरी है, मथुरा नगरी बैकुंठ से श्रेष्ठ है, श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं, है ना। रूप गोस्वामी कोई और नहीं बल्कि रूप मंजरी हैं, राधा रानी की सबसे जो क्लोजेस्ट असिस्टेंट जो है, ऐसे समझ सकते हैं, है ना। तो रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि बैकुंठ से श्रेष्ठ है मथुरा नगरी मधुपुरी, क्यों, क्योंकि मधुपुरी मथुरा में भगवान का जन्म हुआ, और उस मथुरा नगरी से श्रेष्ठ है श्रीधाम वृंदावन, क्यों, क्योंकि वहाँ पे भगवान ने अपनी लीलाएं करी। उस वृंदावन से श्रेष्ठ है गोवर्धन, क्यों, क्योंकि वहाँ पे अपने भगवान ने अपनी प्रेममयी लीलाएं करी हैं, जो बहुत क्लोज सखियाँ हैं या जो सखा हैं उनके साथ, और उस गोवर्धन में सबसे श्रेष्ठ जगह है श्री राधा कुंड, क्यों, वहाँ पे राधा और कृष्ण के जो सबसे क्लोजेस्ट जो लीलाएं हैं, सबसे मोस्ट सीक्रेट गुह्य तमम जो लीलाएं हैं वहाँ होती हैं, और वो राधा कुंड भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। जिस तरीके से भगवान ने कहा है, ये राधा कुंड के प्रकट होने के बाद भगवान ने कहा है कि जिस तरह से मुझे श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ प्रिय हैं, सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, उसी तरीके से ये राधा कुंड मुझे सर्वाधिक प्रिय है। ये राधा कुंड और श्रीमती राधा रानी में कोई फर्क नहीं है, श्रीमती राधा रानी का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, जो भाव है, वो राधा कुंड में लिक्विड के फॉर्म में है, इसलिए हम उस राधा कुंड में जब तक हमारे गुरु का आदेश ना हो हम उसमें पैर तो खैर धुलना ही नहीं, हम उसमें स्नान भी नहीं करते। स्नान उसमें राधा कुंड में, रूप गोस्वामी लिख रहे हैं कि जो एक बार राधा कुंड में स्नान कर लेगा उसको तुरंत कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, श्री राधा कुंड की, जो भी उसमें स्नान करेगा उसको तुरंत कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन प्रभुपाद ने जब अपने भक्तों को लेके आए तो राधा कुंड में जब वो स्नान किए तो प्रभुपाद ने नोटिस किया कि वो लोग को लग रहा था ये कोई स्विमिंग पूल ही है,
और वो लोग उसमें ना जैसे लोग स्विमिंग पूल में करते हैं ना, अभी पानी है तो खेलते हैं, एक दूसरे पे पानी डालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं ना, तो प्रभुपाद ने इमीडिएटली सबको बाहर आने के लिए बोला और सबको डांटा। प्रभुपाद ने कहा कि ये राधा कुंड है ना एक तरीके से, ये वैसे राधा कुंड और श्रीमती राधा रानी में कोई फर्क नहीं है, श्रीमती राधा रानी सुप्रीम मदर हैं, और आप उस राधा कुंड में एंजॉय कैसे कर सकते हैं। तो एंजॉयिंग मेंटेलिटी माने राधा कुंड में जाके आनंद लेना, ये है घोर जघन्य पाप। माने आप राधा कुंड को अपने आनंद में यूज कर रहे हो, तो कोई भी तीर्थ को इस तरीके से हमें स्नान नहीं करना चाहिए कि हमें उसमें आनंद लेने लगे, मजा लेने लगे, है ना। क्योंकि अभी हमें अपना उस स्थिति, अभी तो हम साधक के स्थिति में साधना भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो ये पाप हो जाता है। इसलिए हम जनरली चरणामृत ले, वो जल लेके थोड़ा पी सकते हैं, थोड़ा अपने ऊपर डाल सकते हैं। अगर किसी के गुरु ने बोला है कि आप स्नान कर लीजिए तो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से राधा कुंड की महिमा बहुत, जितनी वर्णन करें उतना कम है। रूप गोस्वामी बताते हैं कि नारद और बड़े बड़े भक्त भी राधा कुंड में सीधे नहीं आ पा रहे हैं, उनको भी वहाँ पे वास नहीं मिल रहा है ना। तो प्रभुपाद की कृपा हुई है हमारे ऊपर कि हम लोग राधा कुंड के दर्शन कर सकते हैं, हमें राधा कुंड की महिमा का ज्ञान हो रहा है ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा श्रील प्रभुपाद के चरणों में कृतज्ञ होना चाहिए, अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। श्री राधा कुंड की, श्याम कुंड की, श्रील प्रभुपाद की।